प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं अब फतेहाबाद में भी कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है। दरअसल फतेहाबाद में 1.5 साल के बच्चे में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। वहीं बच्चे को नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि बच्चे को खांसी जुकाम की शिकायत थी। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्चा अपने 11 सदस्यीय पारिवारिक सदस्यों के साथ 1 मार्च को इटली के रोम से फतेहाबाद पहुंचा था। इसके बाद उसमें कुछ लक्षण दिखाई दिए। एयरपोर्ट से विभाग को इस संबंध में जानकारी मिली थी कि जिले में कुछ लोग इटली से यात्रा करके लौटे हैं। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जब इन लोगों की स्क्रीनिंग की तो एक बच्चे का शारीरिक तापमान सामान्य से अधिक था और उसे खांसी जुकाम की शिकायत मिली, जिसके बाद उसे नागरिक अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी ये साफ नहीं है कि बच्चे को कोरोना है या नहीं। फिलहाल उसके ब्लड सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा गया है। 3 दिन में टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 1 साल का बच्चा है जो कि फतेहाबाद का रहने वाला है, तो ये अभी इटली से आए हैं और अभी सस्पेक्टेड केस में है। पुष्टि कंफर्मेशन जब रिपोर्ट आने के बाद इसकी हो पाएगी, तब तक इसको ऑब्जर्वेशन में हमने निगरानी में आइसोलेशन वार्ड जो कि जीएस फतेहाबाद में तैयार किया गया उसके अंदर रखा हुआ है। प्राथमिक जांच के अंदर क्या इसके सिम्टम पाए गए हैं सर? मैं ये जिस तरह के रूटीन जो कोरोना के सस्पेक्टेड केस में जो पाए जाते हैं, जैसे कि थोड़े खांसी होना, नजला, जुकाम, इस तरह के हैं। लेकिन जब तक की रिपोर्ट पुष्टि नहीं और कंफर्मेशन नहीं, तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।